नारायण राणे के बयान के बाद कांग्रेस और एनसीपी भले ही चुप्पी साधी हो, लेकिन राज्यसभा सांसद शिवसेना प्रवक्ता ने बयान देने से बाज नहीं आया। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जो बयान दिए गए थे वो काफी पुराने हैं, अब उन्हें होश आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनिल परब के फोन वाले बयान को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जांच का विषय है, न्यायालय में अब इसकी जांच होगी कि आखिर फोन किसने किया था। हालांकि राज्य सरकार में मंत्री होने की वजह से उनका अधिकार था। वहीं दूसरी तरफ नारायण राणे की गिरफ्तारी को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री, किसी को भी अपशब्द कहने पर कार्रवाई की जाती है। अब इसे अलग तरीके से देखा जा रहा है। बहरहाल महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत जहां तेज है, वहीं नारायण राणे की तबीयत बिगड़ने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में उन्हें एडमिट कराने गए थे, जहां चेकअप के बाद वो अपने फिर जन आशीर्वाद यात्रा की तैयारी शुरू कर दिए गए। जानकारी के मुताबिक वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में फिर अपने जन आशीर्वाद यात्रा पूरी करेंगे और साफ तौर पर उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है। वहीं शिवसेना लगातार जहां मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साध रही है, वहीं मीडिया के जरिए भी संजय राउत कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। एएनबी न्यूज के लिए मुंबई से मुरारी सिंह। सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने की बात करती है, लेकिन उनके ही मातहत उनके जो नीति होती है उसका ही दुरुपयोग करते हैं। ताज़ा मामला स्मृति ईरानी के संसदीय क्षेत्र अमेठी का है, जहां पर अमेठी ब्लॉक के नरेनी गांव में एक महिला ने आरोप लगाया है कि सेक्रेटरी राजेश कुमार के द्वारा उसका पात्रता सूची में नाम होने के बावजूद भी आवास के लिए 20,000 की घूस की मांग की जाती है। वहीं जब इस मामले को लेकर वह जो है उच्च अधिकारियों से भी बात कर चुकी है और 1076 नंबर पर भी फ़ोन कर चुकी है, लेकिन अभी तक उसका कोई भी मामला हल नहीं निकल पाया, तो आज वह खुद मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोई है। ऐसे में अब यह देखने वाली बात होती है कि आखिर इस पर उच्च अधिकारियों का संज्ञान कब होता है और मामले को का निस्तारण किस प्रकार से किया जाता है। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, एएनबी न्यूज़ अमेठी। सटे गाजियाबाद में एक युवक को पीटते हुए दर्जन भर लोगों का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल होते ही वीडियो का जब पुलिस ने संज्ञान लिया तो इसमें दो अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बाकी अभियुक्तों के लिए टीमें लगाई गई है। एसपी का कहना है कि जल्द से जल्द उनको भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ऐसे अपने आप को पब्लिसिटी में लाने के लिए जो लोग ऐसे वीडियो बनाकर वायरल कर रहे हैं, पुलिस इनके खिलाफ क्या एक्शन करेगी यह तो देखने वाला समय ही बताएगा। खोड़ा थाना क्षेत्र में 19/8/2021 को शाम करीब 7 बजे संघर्ष संगठन नाम से रजनीश कुमार झा के कार्यालय पर विक्की, ताहिर, संदीप और रोशन कुछ अन्य लड़कों को लेकर के पहुँचे। उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की तथा उनके कर्मचारी ऋतिक से मारपीट की और उसका मोबाइल लूट लिया। इसके संबंध में थाना खोड़ा पर उचित धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर प्रकाश में आए दो अभियुक्त विकास व सौरभ को 20/8/2021 को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र के संग मैं परवीन अरोड़ा, एएनबी न्यूज के लिए। उनतीस अगस्त को होने जा रहे खेल आयोजन को लेकर झांसी के दद्दा मेजर ध्यानचंद का हीरोज ग्राउंड पर जोरों से तैयारियां चल रही है। हीरोज ग्राउंड को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि झांसी के मेजर दद्दा ध्यानचंद के नाम पर खेल रत्न पुरस्कार एवं उनके नाम पर विश्वविद्यालय की भी घोषणा हो चुकी है, जिसको लेकर खेल दिवस पर 29 अगस्त को झांसी के हीरोज ग्राउंड को खूबसूरती के साथ सजाया जा रहा है। चूंकि 29 अगस्त को इसी ग्राउंड में आयोजन होने जा रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मोहम्मद शहजाद, एएनबी न्यूज झांसी।
मथुरा जनपद में 10 दिन पूर्व एक चांदी व्यापारी के साथ 1.5 करोड़ रुपए की लूट का मथुरा पुलिस के द्वारा खुलासा किया गया है। वहीं 4 बदमाश सहित 7 आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं आज मथुरा की पुलिस लाइन में ADG आगरा राजीव कृष्ण के द्वारा आज प्रेस वार्ता की गई। वहीं पुलिस द्वारा बताया गया है कि बदमाश के पास से 45 लाख रुपये की राशि बरामद की गई है। वहीं सभी आरोपियों को जेल भेजा जा रहा है। जो भी आरोपी फरार हैं उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जो मेन आरोपी है उसके ऊपर मथुरा पुलिस के द्वारा करीब 1 लाख रुपये का इनाम भी घोषित किया गया है और जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। जिस तरह मथुरा में 10 दिन पूर्व चांदी व्यापारी के साथ चौकी भाग बहादुर पर इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, वहीं मथुरा पुलिस के द्वारा कई टीम गठित की गई थी और आज मथुरा पुलिस के द्वारा उस मामले का खुलासा किया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ANB न्यूज़। मिर्जापुर जनपद के सुंदरपुर इंटर कॉलेज में 73 जोड़ों का सामूहिक विवाह मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत कराया गया। वही प्रशासन द्वारा 35,000 रुपये नगद तथा 10,000 रुपये का सामान दिया गया। सामूहिक विवाह करने वाले जोड़ों को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना है और इसके अंतर्गत यहां पर जो 73 जो नवविवाहित युगल है उनकी शादियाँ यहाँ पर सम्पन्न कराई जा रही है। क्या क्या दिया गया सर उपहार में, क्या क्या इनको लाभ मिला है? इसमें इनको 35,000 रुपये नकद दिया जा रहा है और 10,000 रुपये की इनको सामग्री दी गई है जिसमें 10 तरह के आइटम थे, जिसमें मोबाइल और चांदी की बिछिया पर पायल वगैरह ये सब चीज़ें इनको दी जा रही है। सर जिले भर के लाभार्थी होंगे? हाँ, इसमें जिले के लगभग सभी ब्लॉक से लाभार्थी है और ये इस सत्र में हम पहली बार यहाँ पर ये सामूहिक विवाह का आयोजन करा। वही आपको बता दें कि 12 ब्लाकों के 73 जोड़ों की शादी प्रशासन द्वारा संपन्न कराई गई। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी कमर कसनी शुरू कर दी हैं। वही 2 दिन के दौरे पर पहुंचे बस्तर के राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने पहले कामतनाथ पर्वत की परिक्रमा लगाई, उसके बाद विचार संगोष्ठी कार्यक्रम पहुंचे जहां पर उन्होंने एक रैली को संबोधित किया। रैली को संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। सतीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा की मौजूदा सरकार ब्राह्मण विरोधी है और ब्राह्मणों की लगभग सैकड़ों लोगों की सरकार में फर्जी इनकाउंटर किए गए हैं। इन सभी बयानबाजी के दौरान तमाम तरह की सरकार पर आरोप लगाते हुए ब्राह्मण समाज को अपने पाले में करने की कोशिश की। वहीं यही नहीं रुके, सतीश मिश्रा और समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की सरकार थी, अब आने वाले समय में इनका सपोर्ट न करके जितने भी ब्राह्मण हैं वो बसपा का सपोर्ट करें। जो यूपी में आतंक है उनको बसपा सरकार आएगी तो सबको ख़त्म करेगी और जो फर्जी ब्राह्मणों की इनकाउंटर हुए हैं उनकी पुनः जाँच करवाकर दोषियों पर कार्रवाई करेगी। वीडियो जल्दी सीएम त्रिपाठी के साथ मैं शिवन साथ ANB चित्रकूट। अगस्त को सोरों थाना क्षेत्र के गांव मल्ला नगर में एक स्कूल प्रबंधक की हत्या हुई थी जिसका आज पुलिस ने खुलासा कर दिया गया है। आपको बता दें प्रबंधक की हत्या करने वाला कोई और नहीं, उसी का सगा भतीजा बताया जा रहा है। खुलासा करते हुए SP कासगंज रोहन प्रमोद बोत्रे ने बताया है कि भतीजे की माँ के नाम पर स्कूल होने की वजह से भतीजा स्कूल की फीस का हिसाब मांगता था, चाचा उसे हिसाब ना देता था। इसी बात को लेकर उसी शाम को भतीजा स्कूल पर आया और चाचा भतीजे दोनों ने शराब पी जिसके बाद उनमें अनबन हुई, जिसको लेकर भतीजे ने कुल्हाड़ी से सुधीर सक्सेना के सर पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु को छुपाने में उसके साथ स्कूल का चौकीदार बीरी सिंह भी शामिल था। सक्सेना जो है उस दिन ईटा से कासगंज इससे पैसे मांगने के लिए आया था। पैसों को लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद में सौरभ सक्सेना ने सुधीर सक्सेना के जो उसके चाचा लगते हैं उसकी कुराड़ी मार के हत्या कर दी गई। इसमें इसके चौकीदार का भी रोल जो है वो सामने आया था। चौकीदार को सुधीर सक्सेना जो कि कॉलेज का प्रबंधक था वो 2200 रुपये तनख्वाह देता था, उस तनख्वाह में से भी काफ़ी सारे पैसों की कटिंग जो है वो करता था। साथ ही में लगभग 6 से 7 महीने से उसको तनख्वाह भी नहीं मिली थी। दोनों ने मिल के
एक षड्यंत्र के तहत सुधीर सक्सेना की हत्या कर दी। आपको बता दें आज पुलिस ने खुलासा करते हुए दोनों मुलजिमों को जेल भेज दिया है, वहीं आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। कासगंज से एएनवी न्यूज के लिए मैं अतुल यादव। पूरे देश को कोरोना एक ऐसा संकट के रूप में आया, कोरोना जो कि देश को झकझोर के रख दिया, और भारत में इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिला, उत्तर प्रदेश में देखने को मिला और यूपी में इसको धीरे धीरे अभी कुछ इसकी लहर कम हुई। दूसरी लहर के बाद जहां प्रशासन ने धीरे धीरे बाजारों को खोला और दिनचर्या आम होने लगी और लोगों को छूट दी गई, वहीं लोग इसकी लापरवाही फिर बरतने लगे हैं। और अभी से सारे चिकित्सकों का और बड़े स्तर के जो वैज्ञानिक हैं उनका कहना है कि कोरोना की फिर लहर अक्टूबर में आ सकती है तीसरी, लेकिन लोगों को इसका डर क्यों नहीं सता रहा है, यह बात देखने को मिल रही है देवरिया में। देवरिया के बाजार हो, सड़क हो, रोडवेज हो, ऑटो वाले हों, रिक्शा वाले हों, चाहे बाजार में, कचहरी में, हर जगह लोग बिना मास्क के ही बेधड़ल्ले अब चलने लगे हैं और फिर रोग का खतरा लोगों के सामने मंडरा सकता है। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा कोई भी कदम नहीं उठाया जा रहा है कि लोग मास्क लगाएं और उनके लिए कोई कार्रवाई हो। न सड़क पर बाइक वालों को रोका जा रहा है और न ही रोडवेज में कोई नियम बने कि बिना मास्क का कोई न चढ़े। रोडवेज में हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा बिना मास्क के लोग एक साथ कतार में चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, यहाँ तक कि चालक और कंडक्टर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो यह मास्क लगाने की जो एक परंपरा थी इसको लोग भूलने लगे हैं और दो गज दूरी मास्क है जरूरी की बात को लोग भूलने लगे हैं, जो देवरिया के लिए खतरा हो सकता है भविष्य में, जो तीसरी लहर है उसकी चपेट में देवरिया आ सकता है। इसलिए अभी से प्रशासन को चेतना होगा कि यहाँ पर मास्क के लिए लोगों को जागरूक करे और सख्ती दिखाकर लोगों को मास्क एक बार पहनाया जाए, जिससे कि अक्टूबर माह का तीसरा लहर का जो संकट लोगों के सामने है उससे भी निजात मिल सके और देवरिया कोरोना से मुक्त रहे। जैसा कि अभी देवरिया पूरी तरह से कोरोना मुक्त हुआ है, लेकिन लोगों की लापरवाही कहीं भारी न पड़ जाए यह आने वाला वक्त बताएगा और देखने वाला समय होगा, लेकिन प्रशासन को इस पर ध्यान देना होगा और समय रहते इस पर सख्ती करनी होगी, चाहे मार्केट हो, चाहे बाजार हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे ट्रेन हो, हर जगह हॉस्पिटल हो। इसके लिए जब प्रशासन सख्ती करेगी तो निश्चित तौर से मामला धीरे धीरे कंट्रोल में आएगा, पहले की तरह लोग मास्कों में दिखेंगे और कोरोना से बचाव मिल सकेगा। देवरिया से विशाल मिश्रा, एनबी न्यूज। किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं को आज उस वक्त हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के मंडावा चेक पोस्ट पर रोक लिया गया, जब वो इकट्ठा होकर एसएसपी हरिद्वार का घेराव करने के लिए जा रहे थे। इन किसानों का कहना है कि पुलिस पूरी तरीके से बेलगाम हो चुकी है और उस बात को लेकर जो किसानों के चालान किए जाते हैं, जो आपसी विवाद हैं, उनमें पुलिस का इंटरफेयर कहीं ना कहीं गलत तरीके से रहता है। तो इन लोगों की ये मांगे हैं कि ये एसएसपी हरिद्वार के पास जाकर उनका घेराव करेंगे और उन मांगों को रखेंगे, जबकि अलग अलग बॉर्डर पर यूपी से आने वाले ये किसान है, देखा जा रहा है खासतौर से कि जो उत्तराखंड के किसान हैं वो उनकी तादाद यहाँ पर कम है और जो यूपी के किसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और हरिद्वार एसएसपी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन भगवानपुर पुलिस और बुग्गा वाला पुलिस द्वारा बॉर्डर से घुसते ही इनको रोक दिया गया है, लेकिन ये लोग राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरने पर बैठ गए हैं और इनका कहना है कि जब तक उच्च अधिकारियों का, जो इनके उच्च अधिकारी हैं, भारतीय किसान यूनियन के उच्च नेता हैं, उनका कोई आदेश नहीं आ जाता तब तक यहीं बैठे रहेंगे। अगर उनका आदेश आता है कि हरिद्वार के लिए निकलना है, उसके बाद इनके सामने पुलिस व्यवस्था जैसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसा इन नेताओं का कहना है। अब देखने वाली दिलचस्प बात है कि कितनी देर तक इनका धरना यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर जारी रहता है। एएनबी न्यूज़ चैनल के लिए हरिद्वार से मैं आदिल राणा। गन्ना भुगतान और किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता आज एसएसपी कार्यालय हरिद्वार पर धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको नासन बॉर्डर पर ही रोक लिया। इस वक्त हम नासन बॉर्डर पर खड़े, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर नासन बॉर्डर है। यहाँ काफ़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन तोमर के कार्यकर्ता मौजूद है और NH-58 पर ही धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मियों को भी तैनात कर दिया गया ताकि कोई भी कार्यकर्ता हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर सके।
किसानों के ये जो संगठन है भारतीय किसान यूनियन के नाम से, तोमर गुट के नाम से, इनके द्वारा एक तो इकबालपुर शुगर मिल से रिलेटेड इनका एक मुद्दा है जिसमें ये जो माननीय कृषि मंत्री उनसे वार्ता के संबंध में अपनी मांग रखने आए थे। दूसरा पुलिस से जो हमारे जो चालान हैं या जो पुलिस के द्वारा जो इसकी सुनवाई नहीं होती उसके संबंध में इनका एक वो था, इस संबंध में इनसे वार्ता की गई है और जो भी इसका एमिकेबली सही जो विधिवत जो इसका हल होगा वो निकाला जाएगा। एनबी के लिए मंगलोर से अकील अहमद की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे हैं रुड़की के सिविल हॉस्पिटल में, जहां हम आपको दिखाना चाहेंगे वो तस्वीरें जो कि जिस तरीके से मरीजों की संख्या यहां पे लगातार बढ़ रही है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूंगा आप दिखा सकते हैं इस ओर, जिस तरीके से लगातार सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो है मरीज लगातार अपना इलाज कराने के लिए आते हैं। वहीं पर जो है अगर बात करें यहाँ की जो जिस तरीके से मरीजों को जो है इलाज के बाद शिफ्ट किया जाता है थर्ड फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे, तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो है इस लिफ्ट के माध्यम से शिफ्ट किया जाना था, लेकिन ये लिफ्ट काफ़ी लंबे समय के लिए जो है ब्लॉक पड़ी है, ख़राब पड़ी है। और इसका संज्ञान जब हमने लिया तो यहाँ के जो डॉक्टर CMS साहब हैं डॉक्टर कंसल जी ने बताया, हमें जानकारी दी कि ये 15 दिन में जो है ठीक करा दी जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार के सहयोग से लिफ्ट को जो है ठीक करा दिया जाएगा और 15 दिन के बाद यहाँ के जो मरीज हैं वो इसका लाभ उठा पाएंगे। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से कहना चाहूँगा आप इधर भी दिखाएं जिस तरीके से जो है कैमरा इधर दिखाएं आप कि जिस तरीके से जो है सामने महिला वार्ड भी है और जो है यहाँ पे लेबर रूम भी है, ऑपरेशन रूम, जिस तरीके से ऑपरेशन थिएटर जनरल वार्ड का जो है ये जो है, तो कहीं ना कहीं मरीजों को जो है यहाँ से ले जाया जाता है ये सीढ़ियों के माध्यम से या फिर टेबल के माध्यम से ले जाया जाता है। कहीं ना कहीं अगर ये लिफ्ट ख़राब है तो कहीं ना कहीं भारी परेशानियाँ भी यहाँ पर मरीजों को होती होंगी, लेकिन हालांकि जिस तरीके से जो है अब इसका संज्ञान ले लिया गया तो जल्दी इस लिफ्ट को ठीक करा दिया जाएगा सरकार के माध्यम से। मैं NB न्यूज़ के लिए डालचंद्रा रुड़की। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए पड़ी है। इसी क्रम में आज जो है परिवर्तन यात्रा को लेकर कांग्रेस पार्टियों के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के बीच एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बताते चले कि कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए पड़ी है। आपको बताते चले कि कुछ समय पूर्व भाजपा द्वारा जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी, इसी क्रम में उसी को देखते हुए कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन यात्रा निकालने का मन बना दिया है। आपको बताते चले कि यह यात्रा का शुभारंभ सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र यानी खटीमा से आरंभ किया जाएगा। इसी क्रम में आज रुद्रपुर स्थित गावा राइस मिल पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की गई। अपने सहयोगी के साथ ANB न्यूज रुद्रपुर से मुमताज है। जी हाँ, लगातार हो रही बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें बारिश के चलते चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जो यहाँ अवैध रूप से रह रहे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उन्होंने मौके से शिफ्ट कराने की मांगों को लेकर आज DM डॉक्टर आर राजेश कुमार ने निरीक्षण किया है। इसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन से उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी चीज की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इन्हें सही समय रहते हुए नैन बसेरे में शिफ्ट कराया जाए। यहाँ पे ये भी बताया गया था कि चंद्रभागा नदी के किनारे कई लोग बसे हुए हैं, उनका भी रिहैबिलिटेशन का लॉन्ग टर्म एक इशू है। उनको हम हमेशा जब भी बाढ़ आती है, जब भी रेनफॉल ज़्यादा होता है, हम उनको डिस्प्लेस करते हैं। रिहैबिलिटेट करने का लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अब तक बनाया नहीं है हमने, तो इसी के दृष्टिगत ये स्पॉट विजिट करने के लिए आया हूँ। और बाकी जो परिसंपत्तियाँ हैं अगर क्षतिग्रस्त हुई हैं उसका भी जायज़ा लेने आया हूँ। ये बताया गया है कि शैल विहार में 33 KV का लाइन जो है थोड़ा डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से कुछ देर तक विद्युत व्यवस्था बाधित रही, उसको ठीक करा दिया गया है अभी फिलहाल। और बाकी सड़क का भी जायज़ा लिया और पानी की भी कोई योजना अगर क्षतिग्रस्त हैं उसका भी मैंने अभी। जी हाँ, मैं ऋषिकेश से NB न्यूज के लिए सागर रस्तोगी। इलेक्शंस की डेट 18 तारीख की जाती है पर उसके बाद भी सेनेट इलेक्शंस नहीं होते हैं, उसको लेकर आप मेरे पीछे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से आज प्रदर्शन किया गया। वाइस चांसलर दफ्तर से शुरू होकर एडमिन ब्लॉक तक स्टूडेंट्स यहां पे आके बैठ चुके हैं और उन्हें एडमिन ब्लॉक बंद कर दिया गया है और एक ही डिमांड करें कि सेनेट इलेक्शन जो रद्द किए गए उसकी अगली डेट तुरंत अनाउंस की जाए। और जब तक वो डेट्स अनाउंस नहीं की जाती हैं हम तब तक लगातार यहां पे प्रदर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं भारी संख्या में स्टूडेंट्स यहां पहुंचे हैं।
स्टूडेंट्स के अलावा एलुमनाइज भी यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ स्टूडेंट्स की सपोर्ट में पहुँच रहे हैं। वो सभी लोग यहाँ पे आते हैं लगातार खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर खड़े होकर बैठ के यूनिवर्सिटी एडमिट ब्लॉक का गेट ब्लॉक करके यहीं पर ही खड़े हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने एडमिट ब्लॉक का गेट ब्लॉक कर लिया है, एडमिट ब्लॉक के ही आगे बैठे हुए हैं और लगातार यहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठा होते जा रहे हैं। उनकी एक ही डिमांड है कि जब तक हमारी मांगे या सीधे तौर पे कहें जब तक कि सेनेट इलेक्शंस दोबारा कंडक्ट कराने की डेट नहीं दी जाती तब तक वो यहाँ पे प्रदर्शन करते रहेंगे। चंडीगढ़ से अमित कुमार। मुंबई में धीरे धीरे कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ने का मामला सामने आने लगा है। जैसा कि विश्व उपस्थित है मुंबई के कांदिवली पश्चिम महावीर सोसाइटी में वीना गीत यह सोसाइटी है जहां पर कुछ दिन पहले एक ही सोसाइटी में करीब 17 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। लिहाजन मुंबई की आर्ट साउथ महानगर पालिका ने इस सोसाइटी को पूरी तरह से सील कर दिया था, लेकिन यह जो जानकारी मिल रही है कि अब करीब यहाँ सिर्फ 6 मरीज जो है अभी भी कोरोना पॉजिटिव है, बाकी लोगों की जो है स्वास्थ्य में काफी सुधार देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ यह भी जानकारी आ रही थी कि डेल्टा वेरिएंट के जो केसेस है आर साउथ में टोटल केसेस 4 केसेस है, जिसमें 3 केसेस कांदिवली ईस्ट की तरफ से है और 1 केसेस जो है कांदिवली वेस्ट, यानी कि आर साउथ में 4 केसेस डेल्टा वेरियंट के है। ऐसे में जो जानकारी मिल रही थी कि लगातार मुंबई में कोरोना पॉजिटिव रेट्स जो है बढ़ने लगे हैं, लेकिन जिस तरह से एक्सपर्ट और स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि आने वाले सितंबर महीने में कोरोना पॉजिटिव रेट जो है बढ़ सकता है, लिहाजन मुंबई महानगर पालिका इसके लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसा कि आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि यहां पर सील करने के बाद मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य विभाग के कई कर्मचारी इस सोसाइटी के जो शॉप्स है दुकानें हैं उनका जो है चेकअप करती हुई नजर आई, लिहाजन उनका नाम लिखा जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के बारे में बाकायदे जानकारी ली जा रही है कि किसी तरह के कोई स्वास्थ्य में गड़बड़ी तो नहीं है। फिलहाल यह जानकारी जो है यहाँ की आर साउथ की जो वार्ड अध्यक्ष जो है उन्होंने जानकारी दिया है कि किस तरह से मुंबई में कोरोना संक्रमण की रफ्तार जो है अब धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिलहाल इस सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ अब जो है सिर्फ 6 कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, बाकी लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन जिस तरह से यह जानकारी मिल रही थी कि कुछ दिन पहले 17 मरीज मिले थे जिनमें सुधार हुआ है, काफी लोग अपने घर भी लौट चुके हैं। फिलहाल यह भी बताया जा रहा है कि इन जो 4 विंग है सभी विंग में कोई न कोई कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अभी भी है, लिहाजन अभी भी महानगर पालिका ने इसको सील किया हुआ है। यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले समय में अगर यहाँ कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट वो ठीक हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर इस सोसाइटी में लगे बैनर को बीएमसी हटा लेगी। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ मैं सत्यप्रकाश सोनी, एनबी न्यूज मुंबई। बुला लीजिए जिले से कलेक्टर को, बुला लीजिए, जो समय निर्धारित करना होगा वो समय निर्धारित कर लीजिए और हमें बता दीजिए, हम तैयार हैं। क्षेत्र में फैले व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर आज पूर्व विधायक मऊगन सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा हनुमाना तहसील में एसडीएम को ज्ञापन सौंपते वक्त यह बोला गया कि जिले से जितनी फोर्स बुलाना हो बुला लीजिए, वह जनता के बीच थे और जनता के साथ थे और हमेशा रहेंगे, लेकिन जनता पर जब जब आँच आएगी तब तो वह जनता के साथ खड़े रहेंगे। जी हाँ, आज मऊगंज के पूर्व कांग्रेस विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रीवा जिले के हनुमाना तहसील में ज्ञापन पत्र सौंपा गया और विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम के समक्ष समस्याएं रखी गई, जिसमें हनुमाना एसडीएम एके सिंह के द्वारा एक सप्ताह के भीतर निराकरण करने का आश्वासन दिया गया है। वहीं ज्ञापन सौंपते वक्त सुखेंद्र सिंह बन्ना के साथ तकरीबन हजारों की संख्या में ग्रामीण थे। आपको बता दें कि हनुमाना क्षेत्र में लगातार कई दिनों से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और तरह तरह के मामले सामने आ रहे थे, मारपीट की भी समस्याएं आ रही थी, हाईवे पर बाइक लुटेरों का भी आतंक फैला हुआ था, जिसको लेकर तरह तरह ग्रामीणों के द्वारा बार बार अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन अधिकारियों के द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी और ना तो कोई रिस्पॉन्स दिया गया था, जिसको लेकर आज
पूर्व विधायक मऊगन सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा ज्ञापन पत्र हनुमना एसडीएम को सौंपा गया है और खुले तौर पर चेतावनी दी गई है सरकार को और पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को कि अगर इसी तरह से जनता में परेशानियां बढ़ती रहेंगी तो एक ना एक दिन वह उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। सरायकेला क्षेत्र के इमली गांव में एक प्रेमी प्रेमिका से मिलने उसके घर पे गया था, तभी घर वालों ने प्रेमी को पकड़ के जमकर पिटाई की। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। लड़की को एक निजी अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां लड़की की आज सुबह डेड हो गई। गांव वालों का कहना है कि अनर किलिंग का ये मामला है। अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये मामला है, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दिखाया जा रहा है कि दो लड़कों को कुछ लोग मार पीट रहे हैं, उससे कुछ बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा था। बाद में बताया गया कि एक लड़की की डेथ हुई है जो उसी से संबंधित है। घर वालों ने अभी तक ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया है, न लड़कों की तरफ से कोई आवेदन आया है। एक लड़की की डेथ मेडसिटी अस्पताल में हुई है, उसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है, जो सच्चाई होगी कार्रवाई की जाएगी। का मामला भी जो जिस तरह अफवाह हो रही है, लोग बता रहे हैं उस लड़के के प्रेम का कुछ मामला था। जो वीडियो है वो 22 तारीख का है, डेथ आज हुई है, तो अभी आपको रिलेट नहीं कर सकते। अफवाह है, उस अफवाह की जांच हो रही है और जो भी जांच होगी उसमें कार्रवाई की जाएगी। एमान अहमद, एएनबी न्यूज, कौशाम्बी।